देहात जिलाध्यक्ष भूतड़ा ने लगाए विधायक शंकर सिंह रावत पर गंभीर आरोप। भारतीय जनता पार्टी अजमेर देहात जिलाध्यक्ष व पूर्व विधायक देवीशंकर भूतड़ा ने जवाजा पंचायत समिति के प्रधान गणपत सिंह रावत को विधायक शंकर सिंह रावत द्वारा पार्टी में लेने के निर्णय को भाजपा संविधान के विपरीत बताते हुए कहा कि ऐसा कर विधायक ने प्रदेश नेतृत्व को चुनौती दी है, जो कि अनुशासनहीनता है, जिसे कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। भूतड़ा ने कहा कि पंचायत समिति चुनाव में पूर्व मंडल अध्यक्ष गणपत सिंह ने पंचायत समिति सदस्य के लिए भाजपा सिंबल पर जीत कर प्रधान चुनाव में भाजपा प्रत्याशी के सामने निर्दलीय खड़ा हुआ, जो अनुशासनहीनता है। ऐसे व्यक्ति को पार्टी में वापस लेने का अधिकार प्रदेश नेतृत्व को है। बिना प्रदेश निर्देश के कोई भी घोषणा करता है तो वो भी अनुशासनहीनता के दायरे में आता है, वो चाहे कोई भी हो। फिर पंचायत समिति के सदस्य का चुनाव लड़ा था, चुनाव लड़ने के बाद उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के प्रधान के चुनाव में जो भाजपा का अधिकृत प्रत्याशी था, उस अधिकृत प्रत्याशी के खिलाफ गणपत सिंह जी ने बागी चुनाव लड़ा। उस संदर्भ में हमारे जो प्रत्याशी है भारतीय जनता पार्टी की संतोष रावत, उसने आज मुझे लिखित में शिकायत दी है, और वो लिखित शिकायत के बाद चूंकि उन्होंने बागी प्रत्याशी के रूप में गणपत सिंह जी ने लड़ा, इसलिए वो भी पार्टी की बगावत की है, इसलिए उनके खिलाफ अनुशासनहीनता की कार्यवाही तो चलेगी। लेकिन मुझे ये ज्ञात हुआ कि माननीय विधायक महोदय ने अपने कार्यालय में बुला कर गणपत सिंह रावत को जो पार्टी ज्वाइन कराई है वो पार्टी संविधान के विपरीत है। बगावत कोई भी व्यक्ति करे, उसको वापस लेने का अधिकार पार्टी के प्रदेश नेतृत्व तो और उस अनुशासन समिति जो बनी हुई है प्रदेश की, उसको है। उसके अलावा ये लेने का अधिकार किसी को भी नहीं है। अतः चूंकि माननीय विधायक महोदय ने प्रधान के चुनाव में बगावत करे हुए व्यक्ति को पार्टी ज्वाइन कराई है, तो वो भी अनुशासनहीनता के दायरे में आते हैं। मुझे आज इसकी जानकारी मिली है, मैं इसकी पूरी रिपोर्ट बना कर और प्रदेश नेतृत्व को भेजूंगा।